श्री महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी बीमारी किससे होती है, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के पितामह कौन है, वर्ल्ड में कौन है, पूरे भारत में कौन है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारी पहले वाली जो वीडियोस आई थी, उनमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनमें से भी पूछे जाएंगे। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि इस वीडियो का PDF चाहिए आपको, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। 7697505033 पर आप ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही आपको बता दें, यदि कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको जो वीडियो से कैसे लग रहे हैं, आपको कंटेंट के साथ लग रहा है, केवल आपको कमेंट में वंदे मातरम लिखना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयरिस अकाल 1845, आपको याद रखना है कि आयरिस अकाल जो था वो कब आया था, तो 1845 में। आयरिस अकाल कब आया था? 1845 में आया था। तो आयरिस अकाल जो है 1845 का संबंध किससे है? तो आयरिस अकाल का संबंध आलू की देर तुषार से है। आलू की जो पचेती झुलसा रोग होता है, कौन सा झुलसा रोग होता है? पचेती झुलसा रोग जो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है, उससे संबंधित है आपका कौन सा? आपका आयरिस फेमिन जो होता है वो। ओके, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन 100% आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बंगाल फेमिन यानी कि बंगाल का अकाल जो था आपका किसके कारण? तो जो आपकी ब्राउन रस्ट ऑफ राइस था, उसके कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? ब्राउन रस्ट ऑफ राइस यानी कि धान की भूरी पत्ती रोग जो था, उसके कारण आपको कौन सा रोग हुआ था? आपका बंगाल फेमिन रोग हुआ था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1942 आपको याद रखना है, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है कि 1845 और 1942 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 1845 आपका किसका है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके कारण आपका आयरिस अकाल हुआ था। और बंगाल का अकाल कब हुआ था? 1942 में, 1942 और 85 में आपको नहीं होना है ना। 1845 है और 1942 है। ओके, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, आपको PDF अवेलेबल करवाना है। इसलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस टॉक्सिन क्या पैदा करता है? तो एस्परजिलस फ्लेवस टॉक्सिन क्या पैदा करता है? आपका एफ्लाटॉक्सिन क्या है दोस्तों? तो एफ्लाटॉक्सिन एक उत्सर्जक हार्मोन होता है ना। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? उत्सर्जक हार्मोन है। यह आपके इस फील्ड में तो काम आता ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो एफ्लाटॉक्सिन होता है, इसका ये हार्मोन गायों में दूध उतारने के लिए भी काम आता है। मतलब कि ये एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एस्परजिलस फ्लेवस टॉक्सिन पैदा करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि एर्गोटिन द्वारा निर्मित है? जो एर्गोटिन होता है, क्लेविसेप्स परपुरिया के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है एर्गोटिन आपका? तो क्लेविसेप्स परपुरिया के द्वारा निर्मित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, आलू का लेट ब्लाइट का संबंध है। आपको बताया था मैंने पचेती झुलसा, जो आलू को पचेती झुलसा है, या फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू का पचेती झुलसा है, फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का संबंध किससे है? तो आपके आयरिस अकाल से, जो कि कब हुआ था? 1845 में हुआ था। ओके, आयरिस अकाल कब हुआ था? तो 1845 में हुआ था। वो भी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या फिर जो आपका होता है पचेती झुलसा रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जिसको हम जानते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सीलोन में डेड डेस रोग के कारण कॉफ़ी के अधिक क्षेत्र पर चाय का कब्जा हो गया। जो सीलोन है वहाँ पर क्या है आपकी? एक बीमारी है, रस्टो बीमारी। कौन सी? रस्टो बीमारी। इस बीमारी के कारण जो है वहाँ पे कॉफ़ी के बागान हुआ करते थे, लेकिन इस बीमारी के कारण वहाँ पे क्या है? चाय का कब्जा हुआ, चाय के बागानों का कब्जा हो गया। बात हुई क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो माइकोलॉजी के संस्थापक और जनक कौन है? तो माइकोलॉजी के संस्थापक आपके पोमिचेली। कौन है माइकोलॉजी के संस्थापक? आपको याद रखना है, संस्थापक आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना है माइकोलॉजी के संस्थापक और जनक कौन है? तो पोमिचेली हैं। बात हुई क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बोर्डो मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया था? तो दोस्तों, बोर्डो मिश्रण जो था आपका PM मिलॉर्डेट के द्वारा खोजा गया था। PMA किसके द्वारा खोजा गया था 100% आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत में पादप विकृति विज्ञान के पितामह कौन है? तो भारत में पादप विकृति विज्ञान के पितामह आपके ईजे बटलर कौन है आपके पादप विकृति विज्ञान के पितामह है। आपको याद रखना है पादप विकृति विज्ञान के पितामह कौन है?
100% ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, 100% पूछे जाने ऐसे क्वेश्चन आपसे, ओके कि भारत में पादप कृति विज्ञान के पितामह कौन है, तो आपके ईजे बटलर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि ईयर का, गेहूं का ईयर कोकल किसके द्वारा सूचित किया गया था, तो आपके टी नीदम के द्वारा। किसके द्वारा सूचित किया गया था सर्वप्रथम, किसके द्वारा बताया गया था गेहूं का ईयर कोकल, तो आपके टी नीदम के द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक पादप विकृति विज्ञान के पितामह कौन है, तो आधुनिक पादप विकृति विज्ञान के पितामह कौन है, आधुनिक पादप विकृति विज्ञान के पितामह एंटोनी डी वेरियू है। कौन? एंटोनी डी वेरियू है ना। पादप विकृति विज्ञान बोल लो, प्लांट पैथोलॉजी बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, इसके पितामह कौन है, एंटोनी डी वेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिकन नेमेटोलॉजी के जनक कौन है, मेडिकल नेमेटोलॉजी के जनक आपके कौन है, तो आपके नाकोब। कौन है? नेकोब जो है आपके अमेरिकन नेमेटोलॉजी के पितामह है, ओके। बात करेंगे माइकोलॉजी के पितामह की, हमने बात करी ली है, कौन माइकोलॉजी के पितामह आपके, पोमिचेली है, ओके। बात होगी क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13, रस्ट की विषम प्रकृति की खोज किसके द्वारा की गई, तो रस्ट की विषम प्रकृति की खोज आपके एंटोनी डी वेरी के द्वारा की गई थी, जो कि भारत में क्या है आपके, जो कि आधुनिक पादप विकृति विज्ञान के, भारत में नहीं, आधुनिक पादप विकृति विज्ञान के जनक कौन है आपके, एंटोनी डी वेरी भी, और इनके ही द्वारा किसकी खोज की गई थी, रस्ट की विषम विकृति की खोज भी इनके द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, गेहूँ के ढीले स्मट के नियंत्रण के लिए सौर ताप उपचार विधि किसके द्वारा दी गई, तो ये विधि जेसी लूथरा के द्वारा दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको पूछा यही जा रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक किससे संबंधित है, ओके। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गेहूँ के ढीले स्मट से नियंत्रण के लिए सौर ताप ऊर्जा विधि किसके द्वारा, जेसी लूथरा के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पाश्चरीकरण के सिद्धांत की खोज की थी लुईस पाश्चर ने, पाश्चरीकरण किसने दिया था, लुईस पाश्चर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है आपके, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आपके किसके जनक है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक है, ओके। बात हुई क्वेश्चन नंबर 17 की, तंबाकू मोजेक वायरस TMV के नाम से जिसको हम जानते हैं, रोग सबसे पहले किसके द्वारा सूचित किया गया, तो एडल्फ मेयर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था कि तंबाकू मोजेक वायरस रोग सबसे पहले किसने सूचित किया था, तो किसने किया था, एडल्फ मेयर के द्वारा सूचित किया गया था। TMV के शुद्ध क्रिस्टली रूप के लिए महान पुरस्कार किसे मिला, तो आपके WM स्टेनले को, है ना। इसके बारे में बताया किसने था, एडोल्फ मेयर ने, लेकिन शुद्ध क्रिस्टली रूप के लिए महान पुरस्कार किसको दिया गया, तो WM स्टेनले को दिया गया। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और साथ ही आपको बता दें कम से कम 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। व्हीट बंट रोग को किसने दर्ज किया और इसकी संक्रामक प्रकृति को साबित किया, तो व्हीट बंट रोग को अपने टिल्लेट ने दर्ज किया और इसके संक्रमण प्रकृति के बारे में को साबित भी किया, ओके। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 20 की, गेहूं के काले तने रोग ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के बारे में सर्वप्रथम पता लगाने पर जंग लगाने वाले, है ना, तने पर जंग लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम किसने बताया था, केसी मेहता ने बताया था। पक्सीना ग्रामीना स्ट्रेटिसाइड के कारण होता है, कौन सा आपका ये, किसके कारण होता है आपका ये रोग, पक्सीनिया ग्रामीना स्ट्रेटिसाइड के कारण होता है ना। आपको याद रखना है गेहूं का काला तना रोग किसके द्वारा होता है, पक्सीना ग्रामीना स्ट्रेटिसाइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा बताया गया था आपके, केसी मेहता के द्वारा बताया गया था। माधवी क्वेश्चन नंबर 21 की, कवक में कामुकता की खोज की गई थी तो ब्लैक्सली के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, रोगजनक की शारीरिक दौड़ की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी, ई सी एस टिकमन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, रोगजनकों की शारीरिक दौड़ की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, कवक में बहुरूपता प्रकृति की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कवक में बहुरूपता प्रकृति की खोज
तुलसने ब्रदर्स के द्वारा, किसके द्वारा? तुलसने ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? तुलसने ब्रदर्स के द्वारा की गई थी। बात हुई क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पिनन पर किसने कार्य किया? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पिनन पर कार्य आपके किसने किया था? सॉरी यार, है ना, जेसी वॉकर के द्वारा किसने किया था? जेसी वॉकर ने किया था। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पिनन पर कार्य किसने किया? तो जेसी वॉकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 25, जीन परिकल्पना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीन परिकल्पना सिद्धांत फ्लोरो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? फ्लोरो के द्वारा दिया गया था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, 101% लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला, आप मजाक में समझेगा, ये क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाने वाला है, मतलब 101% 100% आप समझ सकते हो। क्वेश्चन क्या है, 1929 में फ्लेमिन ने पहली बार एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्लेमिन ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? फ्लेमिन ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। वर्गीकरण के पांच जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? वर्गीकरण के पांच जगत प्रणाली, सबसे ज़्यादा फेमस प्रणाली जो आपकी है यदि, तो R.H. व्हिटेकर के द्वारा दी गई। किस, इनका पूरा नाम क्या है? R.H. व्हिटेकर, है ना, R.H. व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी वर्गीकरण के पांच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई? तो R.H. व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, नोवा प्लांटरम जेनेरा किसके द्वारा लिखी गई? नोवा प्लांटरम जेनेरा किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो पोमिचेली के द्वारा लिखी गई है। पोमिचेली, आपको पहले भी बताया कि पोमिचेली क्या है, तो पोमिचेली आपके माइकोलॉजी के पितामह भी है। किसके? माइकोलॉजी के पितामह भी आपके पोमिचेली ही हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सिनोप्सिस मेथोडिका फंगोरम, सिनोप्सिस मेथोडिका फंगोरम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपके C.H. पर्सून के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? C.H. पर्सून के द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्टा फंगोरम कार्पोलोगिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सेलेक्टा फंगोरम कार्पोलोगिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो आपके तुलसने ब्रदर्स के द्वारा। ये भी किसके द्वारा? तुलसने ब्रदर्स के द्वारा ही सेलेक्टा फंगोरम कार्पोलोगिया प्रदर्शित किया गया था। आपके जो आज के क्वेश्चन यही समाप्त किए जाते हैं, आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए। हम 60 क्वेश्चन के लिए हमने बोला था, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, फिर वीडियो को छोड़ के आलस आ जाता है, बीच में वीडियो नहीं देख पाते हैं। इसलिए यदि आपको इस वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट में वंदे मातरम लिख दीजिए और लिख दीजिए सर नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द हम आपके लिए, आपके कमेंट जैसे ही आपके 10 से 12 कमेंट पूरे होंगे, हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का होगा आपके अवेलेबल करवा देंगे। आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल हमारे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और आपको नंबर भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, है ना, 7697505033 इन नंबर पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ज्वाइन लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।